नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आशीष एजुकेशन समाचार चैनल पर। साथियों, आज 30 मार्च इस वीडियो के तहत आपको आज के शिक्षा विभाग से जुड़ी सभी बड़ी खबरें बताई जाएगी। सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑल सेट करें, जिससे कि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं आज की सभी बड़ी खबरों के साथ यह वीडियो। यहाँ पर सबसे पहली अपडेट है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से संबंधित। चयन बोर्ड ने आयोग से मांगी परिणाम जारी करने की अनुमति। 7 लाख अभ्यर्थियों को इंतजार, चुनाव आयोग मंजूरी दे तो 7 भर्ती परीक्षाओं का रिजल्ट आए, आचार संहिता में फंसे परिणाम। आचार संहिता के कारण कर्मचारी चयन बोर्ड की संगणक, सूचना सहायक, ANM, GNM और कनिष्ठ लेखाकार सहित 7 भर्तियों के फिलहाल परिणाम अटक गए हैं। इनमें करीब 17,271 पद शामिल है। इनका परिणाम जारी करने को बोर्ड को चुनाव आयोग की अनुमति का इंतजार है। ये भर्ती परीक्षाएं जनवरी से मार्च तक में हुई थी और बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी का कहना है कि चयन बोर्ड ने 7 बड़ी भर्ती परीक्षाएं कराई थी। प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया जाना है। सरकार से आग्रह किया है कि चुनाव आयोग से अनुमति ली जाए। 7 भर्ती परीक्षाओं के 17,271 पदों के लिए हुई थी परीक्षा। आप देख सकते हैं सूचना सहायक भर्ती 2730 पद इसमें शामिल थे। परीक्षा 21 जनवरी को हुई थी। ANM भर्ती, GNM, कृषि पर्यवेक्षक, कनिष्ठ लेखाकार इत्यादि। तो ये बड़ी अपडेट है। अब अगली खबर है, यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर, लाइब्रेरियन व PTI भर्ती 2023 RPSC की तैयारियां पूरी। 2 पारियों में होगी परीक्षा, 5वां विकल्प ही रहेगा। अजमेर में रविवार को यानी कि कल 16 केंद्रों पर होगी परीक्षा। 1 घंटे पहले तक मिलेगा प्रवेश। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग परीक्षा 2023 के तहत 13 ऐच्छिक विषयों की परीक्षा का आयोजन रविवार को अजमेर में होगा। अगली खबर है एनालिसिस, 12वीं का मामला, स्टूडेंट्स ने ब्लूप्रिंट के आधार पर की थी तैयारी बोर्ड परीक्षा, प्रश्न पत्रों में थी खामियां, ब्लूप्रिंट में बताया कुछ आया कुछ। ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्य एग्जाम 2024 12वीं परीक्षा से संबंधित अपडेट है। 10वीं बोर्ड परीक्षा तृतीय भाषा के पेपर के साथ आज पूरी हो जाएंगी परीक्षाएँ। 50 जिलों में 10,62,000 परीक्षार्थी बैठेंगे। 7 मार्च से शुरू हुई थी ये राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं एग्जाम से संबंधित अपडेट है। और यहाँ अगली खबर है स्कूल लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, नॉन जॉइनर्स के विरुद्ध 8 अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित स्कूल लेक्चरर स्कूल शिक्षा परीक्षा 2022 के तहत पॉलिटिकल साइंस में चयन के बावजूद ज्वाइन नहीं करने वाले 8 अभ्यर्थियों के स्थान पर नयों को मौका मिलेगा। आयोग ने रिजर्व लिस्ट से इन अभ्यर्थियों को पिकअप किया है। इन सभी के रोल नंबर और मेरिट क्रमांक जारी कर दिए गए हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CTET के लिए 2 अप्रैल तक आवेदन, 7 जुलाई को परीक्षा। CBSE द्वारा 7 जुलाई को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 अप्रैल तक लिए जा सकेंगे। अगली खबर है परीक्षा तिथि से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड मिलेंगे, कई विद्यार्थियों को नहीं मिली परीक्षा शहर की जानकारी। वेबसाइट पर आ रहा नॉट फाउंड JEE मेन, कई ट्रेंड को विकल्प में दिए शहर नहीं मिले, नई जगह जाने की व्यवस्था में जुटे। और यहाँ पर PTET, GPM और TDP शैक्षणिक विषय में नहीं, इन विषयों के स्टूडेंट आवेदन नहीं कर पा रहे। VMOU में गाइडलाइन के अनुसार विषय नहीं, आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च है। राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल परीक्षा के आवेदन शुरू। कॉलेजों में प्रिंसिपल पद के लिए चयन की संशोधित तिथियां जारी। यहाँ पर देख सकते हैं कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ने राजस्थान शिक्षा सेवा के तहत सरकारी कॉलेजों में प्रिंसिपल पद पर चयन की संशोधित तिथियां जारी कर दी है। JDB साइंस कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर आचार्य, यहाँ से संबंधित अपडेट है। समान परीक्षा 9वीं और 11वीं के पेपर 5 अप्रैल से होंगे वितरित। जिला सामान्य परीक्षा योजना के कक्षा 9वीं और 11वीं के प्रश्न पत्र का वितरण 5 अप्रैल से शुरू होगा। और विभिन्न पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 18 अप्रैल। कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न विभागों में जूनियर इंजीनियर पदों के लिए आवेदन मांगे और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 18 अप्रैल रखी गई है।
स्कूलों में 1 अप्रैल से लागू होगी ग्रीष्मकालीन समय सारिणी। स्टेट ओपन स्कूल पूरक परीक्षा आवेदन पर अब लगेगा 50 रुपये विलंब शुल्क। यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम अंतिम तिथि 31 मार्च, अब तक 1,70,000 अभ्यर्थियों ने भरा फॉर्म। पीटीटी आवेदन की अंतिम तिथि में होगी बढ़ोतरी, पिछले साल के मुकाबले 30% आवेदन भी नहीं हुए। राज्य के बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए पीटीटी 2024 की परीक्षा 9 जून को होगी। और यहाँ पर प्री डीएलएड प्रवेश परीक्षा के आवेदन अप्रैल में संभव। जीवन कौशल आकलन परीक्षा 5 अप्रैल को। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर की ओर से अपडेट। और यहाँ पर केंद्रीय विद्यालयों की पहली कक्षा में प्रवेश 1 अप्रैल से। कंप्यूटर सीधी भर्ती परीक्षा, मास्टर प्रश्न पत्र और प्राइमरी आंसर पर मिलेगा आपत्ति का मौका। 180,127 अभ्यर्थी पंजीकृत। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 3 मार्च को ही कंप्यूटर सीधी भर्ती का मास्टर प्रश्न पत्र और प्राइमरी आंसर की जारी कर दी है। और 3 से 5 अप्रैल के बीच आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। लाइब्रेरियन पीटीआई परीक्षा को लेकर जिला प्रशासन व पुलिस भी मुस्तैद। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से यहाँ पर CHO भर्ती परीक्षा 2020 का पेपर लीक मामला। 5 लाख रुपये में पेपर खरीद कर परीक्षा देने का आरोपी गिरफ्तार। SOG ने शुक्रवार को CHO भर्ती परीक्षा 2020 का पेपर लीक से संबंधित ये अपडेट आप और देख सकते हैं। और यहाँ पर अगली अपडेट है, अभ्यर्थियों के भाइयों ने 1,000 रुपये में हासिल की थी डिग्रियाँ। घंटों जांच पड़ताल के बाद जब्त किए कई दस्तावेज। फर्जी डिग्री मामले में SOG ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी पर मारा छापा। ये आप देख सकते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2022 में मेरिट में स्थान पाने वाली 2 युवतियों को गिरफ्तार करने के बाद SOG की टीम ने इनकी फर्जी डिग्रियों की जाँच के लिए सिलसिले में शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार स्थित मेवाड़ यूनिवर्सिटी पर छापा मारा। अगली खबरें, स्कूलों को बजट दिया तो परिवहन काट का पाउडर खत्म, अब दूध नए सत्र से। मिड डे मील हमें 74,000 किलो पाउडर मिलेगा। दिसंबर के बाद से एडजस्ट कर बच्चों को दूध दे रहे थे स्कूल। तो साथियों, ये थी आज की शिक्षा विभाग से संबंधित सभी बड़ी खबरें। उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। साथियों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।